बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हम सबको सलामत रखे, आबाद रखे, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते आज के व्लॉग की तरफ। हम गए हुए थे, गर्मी थी ना, तो हम सरदाई भी पी हमने और जूस भी पिया। और मैं तो फिर मैं आखिरकार आपकी फरमाइश पे आज अपने बच्चे का ना फेस रिवील करने जा ही रही हूँ। तो मैंने सोचा, मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि काफ़ी दिन हो गया है कि आप अपना बेबी दिखा दें, तो वो आखिरकार मैं ना उनकी मैंने बात मान ही ली है। तो आपने लाजमी माशाल्लाह कहना और कमेंट में भी मुझे लाजमी माशाल्लाह कह के कोई जो भी बात करनी है ना माशाल्लाह लाजमी कहना। ये मेरा माशाल्लाह 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 ये है चाइनीस बच्चा, और जो इसकी पिक्चर मैंने एंड पे दिखाई है ना, तो वो आप कहेंगे कि ये तो अब कुकी पहलवान बन चुका है। तो माशाल्लाह बहुत मोटा था, गर्मी है ना तो इससे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ये चाइना से आया है ना, तो जो होते ना गोरे उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। जी माशाल्लाह आपने देख लिया मेरा चाइना का बेटा, और जो कुछ मैंने इसकी पैदाइश से पहले मैंने जो कुछ खाया है और जो कुछ मैंने पिया है वो इंशाल्लाह जिसकी वजह से ये इतना गोरा चिट्टा हुआ है, तो वो मैंने जो अगली वीडियो बनानी है ना उसमें लाजमी आपको बताऊंगी और आप भी इस पर अमल करेंगे। तो बच्चे माशाल्लाह बहुत गोरे चिट्टे होते हैं। ये मैंने बड़ों बूढ़ों से सुना था, मेरी अम्मी और जो दादी अम्मा थी वो कहती थी कि ये जो चीज़ें बंदा खाए ना तो बच्चे बहुत गोरे होते हैं, मौसम उनको कुछ भी नहीं कहता। यानी कि कहते हैं ना गर्मी आई है तो बेबी का रंग काला हो गया है इसकी वजह से। नहीं, सब बच्चे जो मेरे बेबी के साथ हुए थे ना उनका इतना ब्लैक कलर हो गया है ना, तो वो जब भी मैं उनको दिखाती हूँ तो वो कहते हैं कि ये क्या आपने किया हुआ है। तो मैं कहती हूँ एक दो घंटा दिन में सोता है उसको इसी में सुला देती हूँ, रात को तो हम बाहर ही छत पर सोते हैं, कभी नीचे भी सो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये बस सारा दिन एसी में ही रहता है। एसी में ज़्यादा इसमें इसलिए नहीं रखती हूँ कि इसको ना ठंड ना लग जाए और गर्मी की भी इसको आदत पड़े। तो इंशाल्लाह वो जो चीज़ें मैं खाती रही हूँ वो भी दिखाऊंगी और बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, कोशिश करूंगी क्या क्या चीज़ें थी। और इसकी जो पिक्चर है ना, पैदाइश जब हुई थी इसकी फ़ौरन की है, उस वक्त जब इसके बाबा जानी की गोद में आया था ना तो उस वक्त मैंने पिक्चर इसकी बनाई थी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो पढ़ने वाली होती हैं उनसे भी रंग गोरा होता है, जो ऊपर फूकने वाली होती कुरान में जीत की आयात और खाने पीने की ऐसी चीज़ें होती जिससे बेबी माशाल्लाह इतने गोरे होते हैं। ये इसने ना रो रहा था ना तो मैंने इसको ना कुल्फ़ी बहुत पसंद है, कोई भी हो ना जैसे कि कोनेटो है चॉकलेट वाली कुल्फ़ी है वो इसे बहुत पसंद है, तो वो इसने पहले खाई है फिर इसने कहा है कि अब मैंने खेलना है, तो इसलिए इसके थोड़े से ना कपड़े गंदे हुए हुए हैं। तो फिर इसके बाद हमने इसको बहुत खिलाया चलाया और इसको इसके साथ हम खुद भी खेल लें। और ये देखें ये बैलून के साथ बहुत खेलता और फट भी रहे हैं साथ साथ। तो इंशाल्लाह बाकी की जो बातें हैं ना वो बाद में, ये लंबी इतनी वीडियो हो जानी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपने जो सब्सक्राइबर हैं ना उनकी बात मान के उनको अपना बेबी दिखाया जाए। और मैं इंशाल्लाह व्लॉग में ना इसको लाया करूँगी, ये भी हमारे साथ खेलेगा। दूसरों बच्चों को तो मैं ला नहीं सकती क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, और इसको तो मैं ला ही सकती हूँ, ये छोटा बेबी भी है। और अब मेरे सब्सक्राइबर कहते भी रहते हैं ना कि आप अपना बेबी ले आया करें, तो मैं इंशाल्लाह मेरा मियाँ साथ होते ना माशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी उनके दे साथ ही हैं, लेकिन वो व्लॉग में नहीं आती और बल्कि व्लॉग में आना तो दूर की बात, वो बनाने भी नहीं देते, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये नकल को कहना कि मेरे बच्चे आप क्यों लाती हैं वीडियो हमें, और ये प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। और जब कुछ कहेंगे तो मैं ये कहूँगी आपके बच्चों को तो मैं नहीं लेके आती हूँ ना, हाँ बाकी छोटा बेबी है उसको तो बंदे मैं मिलाद भी जाती हूँ तब भी तो इतनी औरतें होती हैं, इतने वहाँ पे मेहमान आए होते हैं वो तो इसको देख ही लेते हैं। तो आपने भी लाजमी माशाल्लाह कमेंट में मुझे लिख के दिखाना भी है, बताना भी है कि मेरा बेबी आपको कैसा लगा। और एंड में मैं जो मैंने तस्वीरें पे लगाई हैं ना वो भी आपने देखनी है। तो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता सी इसकी जो है ना शरारतें वो भी आपके साथ ना शेयर करती रहूँगी कि ये इतनी माशाल्लाह करता है। जब मैं कैमरा खोलती हूँ ना फ़ोन तो कहता है कैमरा बंद करो,
कैमरा बंद करो, तो ये मूवी बनाने ही नहीं देता। मुश्किल से साइड पे हो के चोरी छुपके इसकी मूवी बनानी होती है, इसकी वीडियो बनानी होती है। जब ये देख लेता है सच्ची, इसकी जो शरारती होती है वो ख़त्म हो जाती। इतनी शरारतें नहीं करती जितनी कि ये कैमरा बंद पे करता है। तो ये देखे माशाल्लाह मेरे बेबी की उस वक्त की है जब ये बाबा की गोद में आया था, दूसरे दिन सुबह की ये है जब हमने नहलाया था, और उसके बाद कम से कम 3 महीने का था उस वक्त। ये मेरे बेबी की है पिक्चर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, आबाद रखे, भी औलादों को औलाद अता फरमाए और सबको ये खुशियाँ नसीब फरमाए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और मुझे भी अपनी लाजमी दुआ में याद रखे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।